हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सारा और आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं आलू और ब्रेड का हेल्दी नाश्ता। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 10 से 12 उबले हुए आलू लेंगे और उसे छील लेंगे। सभी उबले हुए आलू को मीस लेंगे। अब एक मीडियम साइज का प्याज लेंगे और उसको बारीक काट लेंगे। और इसके साथ काट लेंगे हरा धनिया, और 2 हरी मिर्च। अब इनमें हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच नमक और 2 पैकेट मैगी मसाला। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स इस तरह करना है कि आलू थोड़ा मोटा मोटा रहे। हमारा आलू मिक्सचर रेडी है। आलू मिक्सचर को ब्रेड पर सही से फैला लेंगे। अब ये ब्रेड फ्राई होने के लिए तैयार है। अब हम तवे पर रिफाइंड ऑयल लेंगे। फ्लेम को मीडियम रखना है। जब तक ब्रेड सिक रहे हैं, हम ब्रेड के ऊपर भी रिफाइंड ऑयल लगा लेंगे। ब्रेड नीचे से सिक चुका है। अब हम ब्रेड को पलट लेंगे और दूसरे साइड से भी ब्रेड को सही से पकने देंगे। ब्रेड दोनों तरफ से सही से फ्राई हो गए हैं। इसको तवे से निकाल लेंगे। हमारे करारे और कुरकुरे आलू ब्रेड सैंडविच सर्व करने के लिए रेडी हैं। बहुत ही कम तेल का यूज करके बनाए गए ये सैंडविच काफी टेस्टी और बहुत ही हेल्दी हैं। इसको सुबह के नाश्ते में, बच्चों के टिफिन में या शाम के स्नैक्स में सर्व करें। रेड या ग्रीन सॉस के साथ आप इस लजीज सैंडविच का लुत्फ उठाइए। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में एक और नए जायकेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।